दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, वहीं भाजपा के वचन पत्र को मीडिया के सामने दिखाते हुए उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या दिल्ली नगर निगम चुनाव विधानसभा के चुनाव है या राज्यसभा के या लोकसभा के, क्योंकि भाजपा वाले एमसीडी चुनाव के प्रचार में देश के प्रधानमंत्री का चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं और क्या कहा कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने। हमारे दलित परिवार से आने वाले लोगों का पहला हक है, हम मालिकों को किराएदार नहीं बनने देंगे। हम भाजपा की इस वचन पत्र को धोखा पत्र करार देते हैं। पूरी तरह हम विश्वास दिलाते हैं दिल्ली के झुग्गी और स्लम में बसने वाले, वो सब जानते हैं कि शीला दीक्षित जी के समय में 100-100 रुपए की पर्ची उनसे हमने 2008 में भरवाई। 2013 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, 3 साल में निर्माण कार्य पूरा होना था, 2016 में चाबी मालिकों को मिलनी थी, लेकिन आपने 8 साल की देरी की और 2022 आ गया। इस 2022 में भी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किराएदार बिठा रहे हैं, मालिकाना हक नहीं देंगे यार। मैं हर गरीब झुग्गी स्लम में बसने वाले जो आज भी अपने सपने को घर, एक घर हो सपनों का, उसको साकार करने के लिए आज भी हैं, मैं उनको भरोसा दिलाती हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नगर निगम के चुनाव जीतते ही ये जो लड़ाई है उन्हें मिलकर लड़ेंगे और एक एक फ्लैट में दिल्ली के जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको हम बसाने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं हर एक से निवेदन करूंगी कि इनके झांसे में मत आइए। फिर एक फॉर्म जारी किया है नगर निगम में, यहाँ प्रधानमंत्री जी का चेहरा, यहाँ पर केंद्र के कांग्रेस के समय बने फ्लैट और फिर वचन पत्र की ये भरेंगे तो फ्लैट मिलेगा। मैं साफ कह देना चाहती हूँ अपने दिल्ली के झुग्गी बस्ती में बसने वाले गरीब मजदूर को, मत भरिएगा ये फार्म, इससे आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। ये साइन करते ही भाजपा इसका इस्तेमाल ऐसे करेगी कि आपने जहां बसे हुए उसे छोड़ने का हस्ताक्षर किया है, फ्लैट नहीं मिलेगा। लेकिन साइन करते ही जहां आप बसे हुए हैं, जहां पर आपकी झुग्गी है, मकान है, वहां से आपको बेदखल करके उखाड़ दिया जाएगा। हमने मकान बनाते हुए इन दोनों सरकारों को पिछले 8 साल में नहीं देखा, हमने गरीब को बसाते हुए इनको पिछले 1 दशक में नहीं देखा, लेकिन बुलडोजर चलाते हुए गरीबों के झुग्गियों में, बस्तों में आग लगने के बाद उनको रात ना देते हुए हमने जरूर देखा है। तो मैं पूरी दिल्ली के लोगों को कहूंगी, भाजपा और आम आदमी के इस धोखे में बिल्कुल मत आइएगा। आपको किसी तरह का कोई भी फार्म नया भरने की कोई जरूरत नहीं है। 2008 या उससे पहले आपने जो भी फार्म भरे हैं वही कानूनी वैध हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके चेहरों पर भाजपा को पता है वोट मांगेंगे तो लोग उल्टा उन्हें इलाकों से दौड़ाना शुरू करेंगे। निकम्मे नकारा भ्रष्ट निकले भाजपा की 15 साल की ये नगर निगम की सरकार। एक चेहरा आप इस्तेमाल करने लायक नहीं है, आपका एक भी मेयर जिसके चेहरे पर आप वोट मांगे 15 साल के नगर निगम में, क्या क्या चेहरा देश के प्रधानमंत्री का लगाया जा रहा है वोट। ये जो फ्लैट्स हैं ये किसके हैं? नगर निगम ने बनाए नहीं, ये फ्लैट केंद्र सरकार के अधीन आने वाली डीडीए के हैं। डीडीए ने आज नहीं, 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, 10,000 फ्लैट दिल्ली के जो 3 लाख के करीब हमारी झुग्गी और स्लम में गरीब बसता है, उन 3 लाख झुग्गियों में रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए